Now listen, you who says today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. This is the word of God today. Amen. आइए अब आप खुदावंत के जिंदा पाकलाम के खोलें, निकोल का आम खाद उसका चौथा बाप और उसकी तेरहवीं आयत से लेकर सत्रहवीं आयत तक। तुम भी ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां एक भोज ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे और ये नहीं और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बखरात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंत चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये भी या वो काम भी करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फक्र करते हो। ऐसा सब फक्र बुरा है, पर जो कोई बुराई करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए गुनाह है। खुदावंत के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत हासिल हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आप सबको सलाम कबूल हो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी? मेकिंग आवर प्लान्स। मेकिंग आवर प्लान्स। आइए अपने प्लान्स बनाएं। क्या बनाएं जी? नाउ एवरीबॉडी who is living this world have their plans. Yes. जो कोई भी दुनिया में रहता है उसके अपने plans हैं. Even not only adults, we can also see some young people also make their plans and models of their lives. हालांकि हम देखते हैं कि ये सिर्फ उम्र दराज लोग ही नहीं बनाते, बल्कि ये बच्चे भी अपने plans और अपने models बनाते हैं कि वो किस तरह से पढ़ाई करेंगे, उनका क्या मकसद है। हालेलुया। Even some children already made a plan that I want to be a doctor, I want to be a teacher, I want to be a missionary, I want to do this and that. हालांकि हम जानते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं, वो अपना प्लान बनाते हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और so and so. It means everybody who live in this world has a desire to make a plan for their futures. कि जो इस दुनिया में रहता है, वो उस हर एक एक प्लान होता है कि अपने मुस्तकबिल के लिए वो क्या सोचता है। हालेलुया। Even here in Korea, most of couples they are individually saving their money in the bank, and when they are elderly, they can use their money to live. हालांकि यहाँ कोरिया में आपको मालूम होगा कि ज्यादातर जो जो लोग हैं, इवन के मियाँ बीबी जो है, वो अपने अपने पैसे अलग से जोड़ते हैं ताकि वो जब बूढ़े हो जाए तो वो क्या करें, वो उस पैसे को अपने बढ़ापा में इस्तेमाल करें। और इवन वी ऑलरेडी नो दैट इवन इन पाकिस्तान इफ समवन्स मॉम्स और फादर इज वेरी रिच, then all children try to serve them because they know that they are rich and they can help them in their bad situation, right? हालांकि हम देखते हैं कि जिनके माँबाप इवन के पाकिस्तान में जिनके माँबाप के पास पैसा और जायदाद होती है, उनके बच्चे तब तक उनके वफादार रहते हैं जब तक उनके माँबाप के पास पैसा होता है, right? But if someone has no money, even some children they don't care about their parents, they don't want them to live together. वो नहीं चाहते कि उनके माँबाप उनके साथ रहें। But every country, I think, have a different style of life.
हर एक कंट्री का अपना अपना अलहदा से प्लान्स है, उनके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि किस तरह से उनके माँ बाप उनके साथ रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। But today we are just talking about making our plans. आज तरफ हम इस चीज के बारे में देखते हैं कि हम अपने प्लान्स को किस तरह से बनाते हैं। हालेलुया। But today we are going to discuss about the two ways. The first is we can submit to make a plan for God's will. कि पहली जो चीज है जो आज हम सीखेंगे वो है कि हम अपने खुदा की मर्जी से अपने प्लान्स को बनाते हैं। हालेलुया। And the second thing we are going to learn today is we can ignore God's will in our plans. कि हम अपने प्लान्स में खुदा की मर्जी को शामिल नहीं करते तो क्या वाकयात नमूदार होते हैं। आज हम इन दो चीजों के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। Now here the first thing we already know that everybody have their plans for college, jobs, marriage, family, vocations and retirements. हर एक अपने plans हैं। किसी का college, university, मैंने ये पढ़ना है, मैंने ये करना है। कोई अपनी jobs के लिए plans करता है कि मैंने कैसी job को ढूंढना है, right? That I can make more money. Or somebody make a plan for their marriages or their future families. Or somebody make their plans for vocations and for their retirement plans. ये कुछ लोग जो हैं वो अपने vocations अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए plans बनाते हैं और कुछ लोग अपने जब वो retire हो जाते हैं तो उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है। हालेलुया। But actually in my family, you know, my father never had a job in the government or even in private sector. जब मैं अपनी फैमिली के बारे में देखता हूँ कि मेरे वालिद ने कभी भी ना तो गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट कंपनी में काम नहीं किया। He always had his self business. क्या हमारा जो वालिद है उन्होंने अपना ही बिजनेस किया और God has given him a golden hands. हालेलुया। Even my father is not well educated, but he have only faith in God that God is the one who can provide our every need. हालेलुया। कि हमारा खुदावंद है जो हर वक्त हमारी तमाम तरह की जरूरत को पूरा करता है। When we make a plan and put the will of God in our future plan, then every plan going to be successful. हालेलुया। जब हम एक किसी प्लान में खुदा की मर्जी को शामिल करते हैं तो वो लाजमी कामयाब होता है। हालेलुया। आमीन। As you know that my family is a big family. Hallelujah. We are almost 5 sisters and 5 brothers. We are 10 in numbers. And there is only one person who earned the money and he gave us everything what we need. Hallelujah. Until today. कि उनके वसीला से हालांकि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है और खुदावंद ने हर तरह की जरूरियात उनके वसीला से हमें मुहैया की है। Now we are here because of our father. Hallelujah. Amen. आज हम यहाँ हैं तो अपने वालिद की दुआओं के वसीला से, उनके पैसे के वसीला से हैं। And because he always think about the will of God, क्योंकि वो उन्होंने हर वक्त एक ही चीज को जाना कि हमें खुदा की मर्जी को अपने प्लान्स में शामिल करना है। हालेलुया। इवन यू नो एवरीवन हैव अ प्लान। समटाइम्स सम प्लान्स आर वेरी गुड, सम प्लान्स आर रॉन्ग प्लान्स टर्न इनटू रॉन्ग। व्हाई इट हैपन। हर एक बंदा प्लान्स बनाता है, कुछ प्लान अच्छे हो जाते हैं और कुछ प्लान बुरे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। And now today we are going to understand about this issue. Now here the Paul often made plans in regard to his travels. यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो अपने लिए प्लान्स बनाते हैं कि उसने किस तरह से सफर करना है, कहाँ कहाँ उसने जाना है, कैसे उसने लोगों के साथ रिश्ता करना है, कैसे उसने सर्वाइव करना है। He already made his plan by the will of God. Hallelujah. Amen. क्योंकि वो हर एक प्लान जो
मर्जी से बनाता है. इवन पॉल वाज नॉट रिच मैन, ही इज अ टेंट मेकर राइट. वो टेंट बनाता था और वो इतना अमीर नहीं था कि यार वो दुनिया के सैर के लिए निकल जाए. But he has only a will of God in his plans, and God is the one who provides every need for his plan. Hallelujah. Amen. कि जब भी वो प्लान बनाता था वो खुदा की मर्जी को उस पर रखता था और खुदा की मर्जी के वसीला से उसकी तमाम जरूरियात पूरी होती थी. हालांकि वो इतना अमीर नहीं था मगर खुदावंद हर एक जरूरत को वक्त बाय वक्त उसे पूरा करता था. हालेलुया. As I still remember from my story that I have been in Korea for 20 years. When I came to Korea, I had nothing. Even I had no much money because I never go to factory, make a lot of money that I can support my family, I can pay my tuitions, I can survive into Korea. But by the will of God, that God always provide me on my needs. Hallelujah. आज भी मुझे याद है कि कोरिया में 20 साल निकालना कोई आसान काम नहीं है. आसान काम है जी कि आप काम भी ना करें, आपके पास पैसे भी ना हो, मगर जब खुदावंद की आपकी जिंदगी में उसकी मर्जी है तो हर एक चीज आसान हो जाती है. हालेलुया. कि खुदावंद ने मुझे अपॉइंटमेंट दी, मैं पढ़ाता भी था, मैं चर्च में भी काम करता था, चर्च से भी सपोर्ट मिलती थी, मैं ट्यूशन भी पे करता था. And until today, God is the one who is my supporter. Hallelujah. कि खुदावंद ही है जो आज तक हमें सपोर्ट कर रहा है. Because I already one thing I believe that if God has opened the door for me to come into Korea, He is the one who will provide every need. Hallelujah. कि एक चीज मैंने जानी कि जब खुदा ने मेरे लिए कोरिया का दरवाजा खोल दिया है तो क्या होगा जी, खुदावंद मेरी तमाम जरूरियात को पूरा करेगा. हालेलुया. Because God is always make a way. God is always do miraculous way to support us. Even that time when I was studied in Sungkyul Daehakyo, the first time my church has paid my tuition, I got my visa, everything happened. But the second semester, I was surprised where the money will come. आज भी मुझे याद है कि जब मैंने अपने एमए के प्रोग्राम के लिए मैंने संगीत में पढ़ाई की तो पहली ट्यूशन जो है वो मेरे चर्च की तरफ से मिल गई. चर्च ने मेरा वीजा भी लगवा दिया, सब कुछ कर दिया. But for the second semester, I was surprised when I just prayed. And there was someone who I wrote an advertisement on the newspaper. And somebody already called me for my number and says, I want to meet you. I was very surprised. And when I met him, he says, I'm a church member, I'm a church chieftain, the deacon. I really want to help you for your tuition. Hallelujah. Listen, God is doing a great things in our life in a different way that we never imagined. क्योंकि खुदावंद जो है वो हमारी जो मदद करता है वो हमारी सोच से भी बालातर होती है. हालेलुया. Because we never imagine that in this way it gonna happen or not. क्या हमें वो यकीन भी नहीं होता कि इस रास्ते से और इस वजह से हमारे लिए खुदावंद मदद मुहैया करेगा. हालेलुया. Because God knows better when we believe in him. Amen. क्योंकि जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो खुदावंद जानता है कि वो कैसे हमारी मदद करता है. And then here we can see when Paul made his plans, he always put the will of God and he asked God, God, is it possible I need to go or not? And then God says, okay, I'm the one who will give you everything. I will give you the money, I will give you the food, I can give you the new shoes, I will give you new clothes. Hallelujah. Hallelujah. And he traveled 3 times for his mission trip. And he's the one that we have got this Bible.
we got the word of God in our lives. उसी के वसीला से आज हमने इस कलाम को पाया है। जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो ज्यादा जो लेटर्स हैं वो किसके हैं, वो पॉल के हैं, क्योंकि उसने अपने लोगों को, मसीहों को लिखे हैं जो आज हमें तोहफे देते हैं, हमें ताकत देते हैं। As we know that the most of the letters that we can find in this New Testament has written by Paul. And that letters always encourages us how we are going to be faithful before the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Also the letters hain jo alfaz hain wo aaj bhi hame quwwat dete hain, taqat dete hain ki hum kaise khudawand par yaqeen rakhein, kyunki khudawand hamara mehrban khuda hai. Hallelujah. Amen. And the rest is, in fact, making plans or setting goals is a key to success in any ventures we may undertake in life. क्योंकि जो plans होते हैं, ये ही हमारा मकसद बनाते हैं कि यार हमने अपने future के लिए क्या करना है, हमने किस तरह से अपनी life को अच्छा करना है। Hallelujah. Now you guys has come from Pakistan to Korea. Why you came? Just to wasting your time? Wasting your life? No. No. जब खुदावंद आपको पाकिस्तान से कोरिया में लेके आया है, then God has a plan for you. Hallelujah. Or you also have a plan for your life. कि आप अपनी जिंदगी के लिए और खुदा का आपकी जिंदगी के लिए एक मकसद है. Hallelujah. And what is that? What is the plan of God for you? And what is the plan for you for your life? This is my question. तो क्या खुदा का प्लान है आपके लिए कि आप यहां आकर हर तरह की सुविधा से फायदा उठाएं, नशे करें, अपनी जिंदगी को बर्बाद करें? वेस्टिंग लाइफ क्या होती है? व्हाट इज इट मीन वेस्टिंग योर लाइफ? जिंदगी को बर्बाद कर देना, कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। Now, how many people are suffering in Pakistan? Don't you know? क्या आपको ये पता नहीं है कि कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में परेशान हैं? You not only in Pakistan, even in the world. आपको मालूम होगा कोरोना की वजह से कितने लोग परेशान हैं? Not only पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं। लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास रोटी नहीं है। But you are so blessed. Hallelujah. अगर आप मुबारक हैं कि खुदा ने आपको कोरिया में लाया है, that you can do a good job, कि आप अच्छी jobs करें। खुदा भी चाहता है कि आप अच्छे पैसे कमाएं, that you can make money, right? And that money you can support your family. Hallelujah. Hallelujah. इसी पैसे से आप अपने माँबाप की, अपने बहन भाइयों की क्या करें? Support करें। Or you can save some money for the future. और अपने पैसे को आप जाया ना करें, बल्कि उसको जमा करें अपने मुस्तकबिल के लिए। हालेलुया। हालेलुया। This is the plan of God that you can get success of your life. क्या आप अपनी जिंदगी से कामयाबी हासिल करें? But some of us, we just ignore the blessing of God. कुछ ऐसे भाई भी हैं जो खुदावंद की इस बरकत को क्या करते हैं, उसका फायदा नहीं होता, तो उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। But they don't know when they will go back to Pakistan with empty hands, what gonna happen? वो ये चीज को भूल गए हैं कि जब वो पाकिस्तान वापस जाएंगे और खाली हाथ होंगे तो क्या होगा उनके साथ? They will do the same job they do in few years back. वो वही जाके सफाई के काम करेंगे, वही काम करेंगे जो वो कोरिया आने से पहले करते थे, because of their foolishness, क्योंकि उनकी बेअक्ली की वजह से उन्होंने अपने मुस्तकबिल को सेफ नहीं किया। Now today God wants us to make a future. God wants us to make plans, but He also wants us to put His will in that plans. खुदावंद आज भी चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के लिए प्लान्स बनाएं और उन प्लान में खुदा की मर्जी को शामिल करें, ताकि हम कामयाबी हासिल करें। हालेलुया। आमीन आमीन। इवन एज अ ह्यूमन वी डोंट नो व्हाट गोना हैपन टुमारो,
हालांकि इंसान होते हुए हम ये भी नहीं जानते कि हमारे साथ कल क्या होगा, किसी को पता जी? Nobody knows that. Because everybody know about their birthday, but nobody know about their death day. हर एक बंदा अपने सालगिरह के जब वो पैदा हुआ उसको जानता है, मगर कोई भी दिन को नहीं जानता कि उसने मर कब जाना है. We don't know that. Then what we have to do? कि हमें क्या करना है? हमें खुदावंद की क्या मर्जी की मर्जी पे चलना है. हालेलुया. We have to follow the will of God. हमें खुदावंद की मर्जी पर अपनी जिंदगी को गुजारना है. और जब हम खुदावंद की मर्जी पर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं तो हमें कभी भी नाकामी नहीं होती. We never get failure in our life when we follow the will of God. जब हम खुदावंद की मर्जी को फॉलो करते हैं तो कोई भी फेलियर हमारे जिंदगी में नहीं आता. Even sometimes you know the failure is not means that your life is end. हालांकि कभी कभी हम इस बात को भी हमें जानने की जरूरत है कि अगर आप किसी काम में फेल हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका the end हो गया. This is a second chance. You can learn from your failure. Why I was failed, right? इसमें हम एक चीज जान सकते हैं कि खुदावंद हो सकता है कि उस फेलियर से आपको कुछ सिखाना चाहता है. हो सकता है किसी बात की कमी रह गई हो. You know, I still remember when I was serving another church. मुझे आज भी याद है कि जब मैं एक दूसरे चर्च में काम करता था, there was a Chandosa, evangelist. And he has a plan to study for THM and so and so. First, he wanted to go for MDV program in Chongqing. Uska plan tha ki main MDV se start karu aur Chongqing mein daakhla lu. And I was very surprised. Almost for 6 months, he has been studied in the library of the university day by day. Mujhe aaj bhi yaad hai ki wo 6 months. यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठ कर स्टडी करता था. When he got the exam, he got failed. और जब उसका एग्जाम हुआ तो वो फेल हो गया और आई वॉज वेरी सरप्राइज. मैं बहुत हैरान हुआ. एट दैट टाइम माय पास्टर सेड बेबी गॉड हैज अनदर वे. हालेलुया. तो मैंने एक चीज दैट टाइम उस वक्त सीखी के हो सकता है कि खुदा का इसके लिए कोई और प्लान है. हालेलुया. देन ही स्टार्ट टू स्टडी अनदर स्कूल एंड नाउ ही बिकम अ डॉक्टर. हालेलुया. तो उसने दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया और अब उसने डॉक्टरेट कर लिया भाई. आई थिंक नाउ ही इज बिकम अ प्रोफेसर. समटाइम इज अप टू अस how we can look at our failures. ये हम पर मसल होता है कि हम अपने failures को किस अंदाज से देखते हैं. If we think about positively, maybe God has another plan, then you have a U-turn. Hallelujah. Or if you say, oh, this is the end of my life, and then there's nothing gonna happen. और जब ये आप कहते हो बस हम मौके का काम जी और मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो जब आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है तो फिर क्या होता है? बात ये एंड हो जाता है. दैट यू कैन नॉट बी गेट इनटू यू टर्न. तब आप यू टर्न भी नहीं ले सकते. नो समटाइम सम हाईवेज यू कैन इफ यू जस्ट मिस योर यू टर्न, हाउ लॉन्ग यू हैव टू गो टू गेट योर यू टर्न. समटाइम 1 kilometer or sometimes 2 kilometers you have to drive to come back on your track. This is our life. हमारी जिंदगी भी ऐसे है जब हम एक U-turn miss कर लेते हैं तो कभी कभी हमें बड़ा long way जाकर भाई U-turn लेना पड़ता है. Because God always gives us a second chance. Hallelujah. Because we are still alive. क्योंकि जब हम जिंदा हैं तो इसका क्या मतलब है कि खुदा ने हमें ये सेकंड चांस दिया है कि हम अभी भी
अपनी जिंदगी का यू टर्न कर रहे हैं। हम खुदावंत की मर्जी को अपनी जिंदगी में महसूस करें। That we have to feel the presence and the God's will in our life. कि हमें खुदा की मर्जी को और उसकी अहमियत को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। If we now we see all the brothers or sisters came from Pakistan, we are Christian families, right? जितने भी हम खुदावंत के फजल से पाकिस्तान से आए हुए हैं, सब के सब क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, right? कहना जरा दूसरे मजहब तो आया भाई, जरा हाथ खड़ा करें। Anyone? No. No one. Everybody have their Christian background because they have been raised, they have been living in a Christian town, or even they have lived in a with a Christian family. Then what happened? हालांकि हम खुदावंत के फजल से जो भी इस कोरिया में आए हैं, कहां से? मसीह ना, भी मसीह है ना, हमारा भी सारा मसीह होगा ज्यादातर, क्योंकि अस इस तरह अपने मसीही इलाके च रहने हैं, राइट? But when the Sundays come, what gonna happen to us? कि जब आतवार आता है तो फिर क्या होता है भाई? अगर आतवार को पाली बोले और सरगर अच्छा चाहेगा नहीं तो मैं पाली माना दांव कर रहा हूँ। और अगर वो ये अपनी तो पाली माना मिल जाए, मैं तो रात में सोना भी नहीं। But we don't know. There is a God who wants you to bless you. आप ये नहीं जानते कि जिसके पास आप जा रहे हैं वो तो बोसों का भी बोस है भाई। हालेलुया, हालेलुया। जो वो खुदा है जो आपको बरकत देना चाहता है, आप पूरा हफ्ता काम करते हैं, from Monday to Saturday you work so hard because of money matter, right? But you don't understand who is the one who can help you to make money, and he is God. Hallelujah. But you have no time for your God. Then how your God has time to bless you? जब आपके पास खुदा के लिए वक्त नहीं है तो आपको खुदावंत कैसे वक्त देगा? हालेलुया। In the book of Jeremiah, God says, if you call to me, then I will listen and come to you. हालेलुया। जेरेमिया की किताब में क्या लिखा है कि जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे सुनूंगा, तेरे पास आऊंगा। हालेलुया। तो जब आप पुकारते नहीं है, खुदा के पास आते नहीं है, तो फिर खुदावंत कैसे आपको बरकत देने के लिए आएगा भाई? खुदा को और लोग बेचारे पुकारते रहे तो खुदा उन लोगों को न जाए। Here my God says, Jesus says, I came here to save the sinners. हालांकि खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं यहाँ किनके लिए आया हूँ? मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ। तो जो तौबा कर लेते हैं वो गुनाहगार तो नहीं रहते ना भाई, उनको अपने ईमान पर कायम रहने की जरूरत है। हालेलुया। Who already repented their sins, they are saved. Hallelujah. They don't need to repent again because they are already saved by the blood of God. Hallelujah. क्योंकि वो खुदा के खून से पाक हो गए हैं। It means the only one thing we need to understand that we need to follow the God's will. Hallelujah. एक चीज हमें आज सोचने और जानने की जरूरत है कि हमें खुदावंत की मर्जी पर चलने की जरूरत है। Sometimes we are very confused. How can I know about the will of God? मैं कैसे खुदा की मर्जी को जान सकता हूँ? Through prayer. आप जब दुआ करते हैं, अगर आप किसी मुश्किल में हैं, when you are in trouble, when you are in stress, when you are in trials and temptations, and then you just pray, God, I need you. God, I need you. तो क्या खुदावन आपके पास नहीं आते जी? जब आपका बच्चा रो रो के आपसे कोई चीज मांग रहा है तो आप बाप और माँ होते हुए आप उसके पास भाग के नहीं आते? When your children cry for something, your parents are not come to you? क्या जब आपके बच्चे रोते होते हैं और किसी चीज की डिमांड करते हैं तो क्या हम बाप और
माए जो है हम उनकी बात को नहीं सुनते, सुनते ना? जब भी जब हम खुदावंद अपने बाप को जो आसमानी है उसे पुकारते हैं तो क्या वो हमारी बात को नहीं सुनता? When we call to our Father in heaven, what do you think? He's not listening and come to us? Sure, he will come. Hallelujah. क्योंकि जब हम खुदावंद अपने आसमानी बाप को पुकारते हैं तो वो तो भाई उसी टाइम हमारी बात को सुन लेता है. हालेलुया. और जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, जब आपको सबर मिल जाता है, जब आपको तसल्ली हो जाती है आपके दिल में, इसका क्या मतलब होता है? कि खुदावंद ने आपकी दुआ को सुन लिया और आपको हिम्मत दे दी है. फिक्र ना कर, डू नॉट बी वरी बिकॉज़ आई एम विद यू. हालेलुया. आप परेशान ना हो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ. जब खुदावंद हमारे साथ होते हैं तो हम उसी वक्त तसल्ली मिल जाती है. हमारा दिल जो है उसका प्रेशर जो हो क्या होता है जी, उसकी और कम हो जाता है, स्मूथ हो जाता है. और हम सोचते हैं अब मुझे किसी बात का भी डर नहीं है. हालेलुया. बिकॉज वी आर गॉड्स पीपल, हम खुदा के लोग हैं. And here, what the Apostle James is going to teach us today, that whenever we are make our plans, we have to do the will of God. Amen. और यहाँ खुदा को पता, यकूब जो है वो आज हमें ये सिखाता है कि जब हम किसी प्लान को बनाते हैं तो हमें उसमें क्या करना है? खुदा की मर्जी को लाना है. हालेलुया. And the second thing is, what is the consequences when we are not put the will of God and ignore it? ये क्या कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं जब हम खुदावंद की मर्जी को अपने प्लान्स में शामिल नहीं करते बल्कि उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं? यू नो इग्नोरेंस इज वेरी बिग इशू, राइट? अगर आप किसी को इग्नोर करते हैं तो क्या वो आपसे प्यार करता है? नो. नोबडी. इफ यू इग्नोर समबडी, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज हिज बिहेवियर अगेंस्ट यू? कि जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आप किस चीज के बारे में सोचते हैं कि आप ये आपके साथ किस तरह से आपके साथ ताल्लुक रखेगा? इवन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ समबडी इग्नोर मी, I really don't like those people. This is my personal. कि अगर कोई मुझे इग्नोर करे तो भाई मैं उस बंदे को पसंद ही नहीं करता. Then how we feel when we ignore our living God and we think he is still with us? ये कैसे हो सकता है जब आप अपने आसमानी खुदा को इग्नोर करें और ये सोच